गलतफहमी। आपने ये बात तो सुना होगा कि कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, गधे पालो, मगरमच्छ पालो, पर गलतफहमी मत पालो। पर भाई मैं ये कहता हूँ कि ये गलतफहमी ना पालना है तो मत पालो, लेकिन ये कुत्ता, बिल्ली, गधे, घोड़े पालने की क्या ज़रूरत है? मतलब इतना फोकट का तामझाम क्यों? पर भाई आप लोगों का जनरली यह सवाल होता है कि आपकी जीएफ है या नहीं। हो सकता है आपकी हो, पर मैं पालता हूँ। जीएफ यानी बताइए, मैं आज तक जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड समझता रहा और आज कहीं जाके समझ में आया कि जीएफ का मतलब गलतफहमी। गलतफहमी। एक मिनट, आ रहा हूँ चारा डालने। हमारी भैंस का नाम है, आ रहा हूँ एक मिनट चारा डाल के। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे गलतफहमी के बारे में। गलतफहमी वो चीज़ है, सबसे बड़ी ये गलतफहमी है कि गलतफहमी कोई चीज़ है। जी हाँ, गलतफहमी एक चीज़ नहीं बल्कि एक एहसास। तो गलतफहमी कोई पालता है तो कोई गलतफहमी में जीता है। हो सकता है आप भी गलतफहमी में जीते हो पर आपको ये पता नहीं। गलतफहमी का शिकार आप भी हो सकते हैं पर ये आपको पता नहीं चलेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। तो इस फोटो में आपको तीन बंदर दिख रहा होगा, जिसमें से दो बंदर एक दूसरे को देख रहा है और ये तीसरा बंदर एक दूसरे को देख रहा है। अगर आप तो नहीं समझे तो रिवाइंड करके देख ले, और अगर आप समझ चुके हैं तो भैया सॉरी, मजाक कर रहा था, लेकिन पड़ गए ना गलतफहमी में। वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट है, और ऐसे स्मार्ट लोगों के लिए है अपस्टॉक्स ट्रेडिंग ऐप। प्ले स्टोर पर वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ऐप है विथ ओवर 1 मिलियन डाउनलोड्स, और इसके रतन टाटा खुद इन्वेस्टर है, तो ट्रस्ट करना तो बनता है। अपस्टॉक्स में आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि यही काम अगर आप अदर सोर्स से करते हैं तो आपको लगभग 500 रुपए तो लग ही जाएंगे, और मिलेंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट 28,000 तक का। और अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको लगेंगे बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, और इसके साथ आपको मिलेंगे चैटिंग टूल एंड 100+ इंडिकेटर्स। और अब तो आप अपस्टॉक्स के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो दोस्तों, जो लोग थोड़ा फेमस हो जाते हैं वो खुद को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं, पर भैया कौन उन्हें समझाए कि यह एक गलत फहमी है। मैंने जब YouTube करना शुरू किया और 2-4-10 लोग मुझे भी जानने लगे, उसके बाद कोई भी मेरी तरफ देख भी ले, तो मुझे लगता था कि यार अपना फैन है, लेकिन टिकटॉक पे फेमस हो तो क्या हुआ भाई, सेल्फी लेंगे। ये एड्रेस बता चल। अरे भाई मेरे को ऐसा लगा तुम सेल्फी लेने आ रहे, तू क्या बहुत बड़ा तोड़ू है क्या? एड्रेस बता चल, जाने का मेरे को भाई, सीधा जाके लेफ्ट आ चल वोट। ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है, पर भाई अब तो हाल वो हो चुका है, जब कोई शूटिंग करते देखता है तो सोचता है कि यार छोड़ो ना, टिकटॉक या वीगो का शूटिंग हो रहा होगा। कसम से बस मैं आप सबों के सामने इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं हार्ट का मरीज नहीं हूँ। पर भाई कुछ लोगों को तो हट और हॉट में फर्क नजर नहीं आता। हॉट, थैंक यू डियर। आगे से हॉट, ये हॉट ना। नो 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 नो। समय के साथ तारीफ का भी तरीका बदल गया है, पर भाई अब तो वो समय आ चुकी है जब दो लोग कहीं जा रहे हो तो कुछ इस तरह की गलत फहमी होती है। हमारी बहन के गले में हाथ कैसे डाला? अब आप ही सोच रहे होंगे कि क्या जमाना आ गया है। तो भाई ये जमाना लाया किसने? आप ही लोगों ने ना। अब आप मेरे तरफ मत देखिए, मैं तो शरीफा से भी ज्यादा शरीफ हूँ। पर भाई लड़के और लड़कियों के गलत फहमी को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अव्वल स्थान लड़कियों का आएगा, क्योंकि हर आंटियां अपने आप को 24 बताती है और लोग ये मान भी लेते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। हर लड़की 50 रुपए के मेकअप के साथ खुद को विश्व सुंदरी मानती है, पर ये उनकी गलत फहमी है। वाले के नाम से दे, हुस्न की मलिका अंधे को 10 रुपया दे दे। इसने मुझे हुस्न की मलिका कहा। दे दो 10 रुपए, बेचारा सच में अंधा है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? भाई अपने गानों में तो ये जरूर सुना होगा कि भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है, और ये सुनकर लड़कियां खुश भी हो जाती है, पर भाई ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। अरे पगली, जितना भी फालतू काम होता है वो फुर्सत से ही तो होता है। पर भाई बदलते समय को मद्देनजर रखते हुए शादीशुदा लोग ये सोचते हैं कि पैर छूना ही इज्जत देना है, इज्जत करना है, तो वो लोग अपनी गलत फहमी दूर कर ले। आजकल जरूरी नहीं कि पांव छूकर ही पति की इज्जत की जाए,
पति को देखकर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ी इज्जत है। हाँ, समय के साथ सोच बदल दो। अरे भाई, खुश नसीब हो जो आपको ऐसी मिली है, वरना कुछ तो ऐसी भी होती है। कल रात को नींद में तू मुझे गाली दे रही थी। नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं नींद में थी। अपनी औकात मालूम थी तो क्या जरूरत थी बेइज्जती करवाने की। पर भाई, कुछ लोगों को तो ताने भी सुनने को मिलता है। आए हाय, भूल गए क्या वो दिन जब मेरी गली के दिन दिन भर चक्कर काटे करते थे। गलत फहमी दिमाग में से निकाल दे एड़ी, तेकू नहीं देखने आता था मैं। वो तो तेरी गली में मेरी 100 की नोट गिर गई थी। रोज ढूंढने जाया करता था। पर भाई, हम लड़के भी पीछा नहीं है, अब इनको ही देख लो। भाई टेंशन दिखा देना, साइज क्या भैया? 3 साइज में पैंट, एम साइज में शर्ट। ये लीजिए भैया, शर्ट दिखा दो बढ़िया से। ये लीजिए भैया, फोटो वोटो खींच के भाई बंदी को भेज दूं। एक मिनट रुक जाओ भाई, अगर फोटो खींच रहे तो एक मिनट रुक जाओ। अब खींच लो भाई। मैं भाई पैंट की बात कर रहा हूँ, तेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ। ओह नो, हैं इनकी बात और क्या। बता बता चल, बता बता चल, इतनी मेहनत पर बात कर दी मेरी। भाई इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से कौन रखता है। अक्सर लड़कों को कोई लड़की हंसकर भी देख ले तो उसे जीएफ हो जाती है, मींस गलत फहमी। पर भाई, बंदरों के उछल कूद पे भी हर कोई हंस देता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब उसके झोली में आ गए। मतलब कम से कम इतना तो कंफर्म कर लो कि देखकर हंस रही है या हंसकर देख रही है। मतलब अपना शकल पे भरोसा तो होना चाहिए ना। हाँ, आई लव यू। क्या आपको किसी ने डेर दी है? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि हमें हमारी शक्लों पे पूरा भरोसा है। मतलब खुद के शक्ल पे भी भरोसा होना जरूरी है, बताई दे रहा हूँ मैं। पर फिर भी कुछ लौंडे बारात से लौटने के बाद ये सोचते हैं। अक्सर बारात से लौटते वक्त लड़कों को यह गलतफहमी जरूर हो जाती है कि अगर रात भर वहां रुक जाता तो वो पीले सूट वाले लड़के जरूर सेट हो जाती। आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने बताया तो था कि मैं शरीफा से भी ज्यादा शरीफ हूँ। पर भाई, अब जो मैं बोलूंगा वो गलतफहमी आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, और आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके हमें बताइएगा। तो एक बार मुझे स्कूल में ये लगा और मैं दौड़ते हुए नहर पे गया और फिर मैं चालू हो गया। फिर मेरी नींद खोली और पता चला कि नहर तो कहीं और चल पड़ी है। बहुत हंसी आ रही है ना। पर मैं भी जानता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, तो आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, वरना अगला सपना आपका भी यही आने वाला है। ये मेरा श्राप है। हाँ, तो गलतफहमी के भाषण को यहीं पे खत्म करते हैं और आपके सामने दो लाइन पेश करते हैं। वो सिंपल दिखता है, उसे पैसे की कमी है, हो सकता है उसे फालतू का शौक ना हो, और ये सोचना तुम्हारी गलतफहमी है। तो भाई, इस दुनिया में खुद को ये समझना कि 30 मार खा हामी है, तो भाई ये कुछ नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। हाँ, तो बस भाई, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कभी ये अंधेरा में तो कभी पार्क में, मतलब ये चल क्या रहा है, नॉइस भी आपको शायद मिल रहा होगा और अदर वीडियो के अलावा इसमें ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग हैं पटना में, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप पटना से है तो आपके लिए खुशखबरी है, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, बोले तो फन फेयर इंडिया पे। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप अगर एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्टेड रहे और पटना से हैं, करते हैं, तो जो भी है आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए अपना व्हाट्सअप नंबर और अपना फ़ोटो, और आपने जो भी काम किया है उसका लिंक या वीडियो आप हमें भेज सकते हैं, तो जल्दी करिए। और अपस्टॉक पर रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।